हेलो एवरीवन, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और हम लोगों ने सर्दियों वाले पौधे कुछ लोगों ने ब्रीजों से भी ग्रो कर लिए, कुछ लोग नर्सरी से भी ला रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लूमर प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों के होते हैं, लेकिन इनसे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए हमें कुछ खास फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। होममेड फर्टिलाइज़र भी बहुत ही पावरफुल होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो सस्ते होंगे और बहुत ही पावरफुल होंगे, जो आपके पौधे में इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग करवाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जैसे नर्सरी वाले ब्लूमिंग करवाते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग घर के बने फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधों से इतने ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फर्टिलाइज़र की। तो ये है सरसों खली का फर्टिलाइज़र, जो आपको बहुत ही सस्ते दामों पे किसी भी तरीके की मार्केट में मिल जाएगा। 20 से 25 रुपए किलो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, और एक किलो की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके सभी तरीके के पौधों के लिए। आपको करना क्या है, एक मुट्ठी सरसों का खली आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है और आपको 2-3 रातों तक इसी तरह से छोड़ देना है। फिर आपको इसमें 2 गुना पानी मिलाकर अपने सभी पौधों में गुड़ाई करके देना है। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले ध्यान रखें आप वाटरिंग ना करें। वाटरिंग की जगह इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सभी तरीके के सर्दियों वाले पौधों में बना के दें। फिर आप देखेंगे इतना ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा आपका पौधा, बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता है इस फर्टिलाइज़र से, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। इस जो फर्टिलाइज़र को मैं बता रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सब्जियों वाले पौधों में भी यूज कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपको नर्सरी में ऐसे सर्दियों वाले पौधे मिल जाएंगे जो ब्लूमिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, तो आप इनके छोटे छोटे पौधे नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो हर 15 दिन में आप इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों को देंगे तो आप देख सकते हैं ब्लूमिंग कितनी ज़्यादा हो रही। मैंने बीजों से उगाए हुए पौधे हैं पिछले साल के। मैं हमेशा जो विंटर फ्लावर्स के प्लांट होते हैं मैं हमेशा घर में ही उगाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है मेरे पौधों में। अब मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, और आपके घर में इतने सारे फर्टिलाइज़र मौजूद होते हैं शायद आप उन्हें नहीं पहचान पाते होंगे। तो मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो गुलाब के और कई सारे परमानेंट प्लांट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि ये देखिए बनाना पील्स हैं, तो मैंने इसके छिलके उतार लिए थे और इन छिलकों को मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, और बहुत तरीके से मैं इसका यूज करती हूँ। तो मैंने इनको सुखा लिया, भी धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं 2-3 दिन में ही काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसका पाउडर बना के गुड़ाई करके पौधों में दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है ये। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है, आयरन एंड कैल्शियम होता है, जो पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ कर देता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देता है ये फर्टिलाइज़र। आप रिपोर्टिंग में भी केले के छिलके डाल सकते हैं, आप जब मिट्टी बनाएं और गमला भरें तो उसमें बीच बीच में लेयर अगर केले की छिलकों की बिछा देंगे तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, और फर्टिलाइज़र भी कम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बनाना पील्स हैं आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। आप इन्हें 2 रातों तक भिगो दीजिए, फिर आप दे सकते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है ये है वर्मी कम्पोस्ट, ये हमारे सर्दियों के पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेंजर पे भी मैसेज भेज सकते हैं। इसे भी आप गुड़ाई करके हर 15 दिन में अपने पौधों को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ा देता है और ब्लूमिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब मैं बताती हूँ सर्दियों के पौधों के लिए अगला फर्टिलाइज़र, जो गुलदाउदी के पौधे के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये है TAP फर्टिलाइज़र, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन इनका भी यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है सर्दियों वाले पौधों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड फर्टिलाइज़र होता है, इसे नर्सरी वाले भी यूज करते हैं ब्लूमिंग के लिए। बस इस फर्टिलाइज़र को यूज करने का आपको सही तरीका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी इस फर्टिलाइज़र का आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे कैसे दिया जाता है, जैसे कि आपका जो पॉट है अगर 8 इंच का है तो आपको 8 दाने देने हैं, 10 इंच का है तो 10 दाने देने हैं। अगर पौधा छोटा है तो आप केवल, जैसे नया पौधा आप नर्सरी से लाए हैं, तो केवल 2 या 4 दाने दें, वो भी आपको रूट्स से, जैसे रूट्स होती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी पर गुड़ाई करके आपको इन दानों को दबा देना है मिट्टी में। फिर आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। इनकी क्वांटिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको नॉलेज ना हो तो ये फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी ना दें। DAP देने से पहले आप इसके लिए एक वीडियो ज़रूर सर्च कर लें, तभी आप इसकी फर्टिलाइज़र का यूज अपने पौधों में करें।
तो ये फर्टिलाइजर गुलदाउदी के प्लांट में इस समय आप कटिंग लगा चुके होंगे तो आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी आपके गुलदाउदी के पौधे में। ये तीनों फर्टिलाइजर का यूज आप अपने सर्दियों वाले पौधों में जरूर करिए तो आपके गार्डन में फूलों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए।